मॉर्निंग बच्चों, क्लास टू में इंग्लिश ग्रामर आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का लेसन टू यूज ऑफ ए एंड एन का प्रयोग आप लोगों को बता दिए थे। आज हम आप लोगों को उसका एक्सरसाइज बताएंगे और आप लोग जो है घर पर बैठे अपने किताब में देख करके उसको आप लोग भरेंगे। देखिए एक्सरसाइज दिया है आप लोग का। एक्सरसाइज भी होता है अभ्यास, एक्सरसाइज भी होता है अभ्यास। तो देखिए वन एक्सरसाइज वन देखिए, निम्नलिखित चित्रों को देखकर रिक्त स्थान में क्या भरना है, ए या एन से भरिए। ठीक है, आप लोग किताब में इधर फिगर ही बनाया होगा, उसको जो है आप लोग देखकर ठीक है ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है चित्र नहीं बनाया है, ऐसे वर्ड्स को भी आप लोग देखकर जो है ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहला है दिस, टी एच आई एस, इसको हम पढ़ेंगे दिस, आई एस को पढ़ेंगे इज, दिस इज बनाना। ठीक है बनाना, तो यहाँ पर हमको क्या भरना है, ए और एन भरना है। दो ऑप्शन दिया है, अब दोनों में से कोई एक भरना है। तो देखिए ए और एन का नियम क्या है, ए का नियम है कि वर्ड्स की ध्वनि जो है व्यंजन से, ठीक है जो वर्ड्स व्यंजन की ध्वनि से बोले जाते हैं वहां पर जो है हम ए का प्रयोग करते हैं, और जो वर्ड्स बोलने के लिए स्वर की ध्वनि आती है, ठीक है स्वर की ध्वनि ध्वनि आती है वहां पर हम लगाते हैं एन। देखिए इसको वर्ड्स को बोलिए ब नाना, ब आ रहा है तो कौन सा ध्वनि है, यहाँ पर जो है व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे ए। अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तो ए, स्वर की ध्वनि आती है तो एन। दिस इज ए बनाना, ए और ए एंड एन का प्रयोग जो है, सॉरी ए एंड एन का अर्थ जो होता है एक, इन दोनों का अर्थ जो होता है एक। ठीक है तो देखिए दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बनाना मीन्स केला। यह एक केला है। ठीक है अब देखिए दूसरा, दिस इज, इसे भरना है ऑरेंज। ठीक है तो इसमें आप लोग ए और एन में से दोनों एक ही को भरना है, तो इस वर्ड्स के पहले जो है ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है संतरा, तो ध्वनि किसकी आ रही है ऑरेंज, तो ध्वनि जो है स्वर की आती है, तो यहाँ पर स्वर रहेगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ए एन, एन हो गया। This is an orange. यह एक केला है। यह क्या है? यह एक केला है। Sorry. Orange means क्या होता है? Orange means होता है संतरा। Banana means होता है केला। यह एक संतरा। यह एक संतरा है। यहाँ पे दिस इज डॉग, डॉग इसकी ध्वनि आ रही है व्यंजन की, यहाँ पे क्या लगाएंगे ए। दिस इज ए डॉग, यह एक बत्तख है, यह एक बत्तख है। दिस इज खाली स्थान एक, एक इसकी ध्वनि आ रही है एक, यहाँ पर हो जाएगा एन, क्योंकि ये स्वर की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे हो गया एन। दिस इज एन एग,
व्यंजन की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। This is a goat. यह एक बकरी है। This is ox. Ox. इसकी ध्वनि आ रही है स्वर की, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। This is an ox. यह एक ox means bell है। यह एक बैल है। This is gun. Gun. यहाँ पे जो है ए लगाएंगे, क्योंकि ये ध्वनि किसकी आ रही है? व्यंजन की। This is a gun. यह एक बंदूक है। This is aunt. Aunt. सर की ध्वनि आ रही है। This is an aunt. यह एक चींटी है। फिर से देखिए। This is a banana. यह एक केला है। This is an orange. यह एक संतरा है। This is a duck. यह एक बत्तख है। This is an egg. यह एक अंडा है। This is a goat. यह एक बकरी है। This is an ox. यह एक ox means bell. यह एक बैल है। This is a gun. यह एक बंदूक है। This is an ant. यह एक चींटी है। तो आप लोग जो इसको देख करके आप लोग किताब में भर लीजिए और इसको घर पे बैठ के लर्न करिए, ठीक है? और लर्न करके आप लोग कॉपी में भी इसको, किताबे में इसको भर लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग उसको पूछ सकते हैं।